बांग्लादेश में सड़क दुर्घटना में दो छात्रों की मौत के बाद हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। छात्रों का प्रदर्शन पिछले 5 दिन से चल रहा है। बांग्लादेश में दो छात्रों की सड़क हादसे में मौत के बाद हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को 6वें दिन में पहुंच गया है। छात्र बांग्लादेश की सड़कों पर वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए विरोध जता रहे हैं। छात्रों की मांग है कि सड़क पर बिना लाइसेंस किसी को भी वाहन चलाने की इजाजत ना हो और ऐसे हादसों को कम करने के लिए सरकार ठोस कदम उठाए। ये छात्र आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों के बढ़ते विरोध प्रदर्शन के चलते सरकार ने एहतियातन पूरे देश में हाई स्कूल्स बंद कर दिए हैं। गुरुवार को छात्रों ने बारिश होने के बावजूद ढाका तक मार्च भी निकाला। दरअसल रविवार को एक बस एक दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश में दो छात्रों को कुचलकर निकल गई थी, जिसमें दोनों छात्रों की मौत हो गई, जिसके बाद से पूरे बांग्लादेश में छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि इस विरोध प्रदर्शन में 300 से भी ज्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में हर साल 4000 से ज्यादा ऐसे लोग हादसों में मारे जाते हैं जो सड़कों पर पैदल चल रहे होते हैं। आकांक्षा ठाकुर, गो न्यूज़।